दोस्तों, यह कुश्ती दंगल जावेद पहलवान और हरिहर पहलवान के बीच है। हालांकि बीच में कुश्ती दंगल कुछ टाइम के लिए रुक गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। वीडियो 6 मिनट का है, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाए जिससे सारी नोटिफिकेशन मिले। हेलो, देखिए दोस्तों, नेपाल मेरा राष्ट्र देश है और इस देश की संस्कृति मेरे देश से मिलती है। इस जनता की मोहब्बत में मैं 5 मिनट हरिहर पापा से कुछ लेना चाहता हूँ, अगर आपकी मंजूरी हो तो। क्या चलिए 5 मिनट देखते हैं इसके बाद में कितने दम है। आप लोगों ने तो बहुत कुश्ती दर्शकों ने देख लिया है। एक कुश्ती नेपाल और इंडिया का है, दिखाइए दिखाइए। एक कुश्ती नेपाल और इंडिया का है। दोस्तों, कुश्ती दंगल में काफी भीड़ हो जाने के कारण दर्शक अखाड़े पर चढ़ जाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए कुश्ती दंगल रुक जाता है और पुनः कुश्ती दंगल स्टार्ट होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कुश्ती दंगल को पूरा देखें और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो जावेद पहलवान और हरिहर पहलवान के बीच का है। अगर कुश्ती पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल को मिलता रहे। बहुत ही अच्छा गुरुपाल, बीच में आ जाओ पहलवान जी, बीच में आ जाओ बहुत ही अच्छा। दोनों पहलवान बहुत ही अच्छा कुश्ती किए।
बहुत ही शानदार कुश्ती दोनों पहलवानों के बीच घमासान होते हुए जावेद पहलवान और हरिहर पहलवान, हरिहर पहलवान और जावेद पहलवान के बीच नेपाल के पहलवान जावेद पहलवान और हरिहर पहलवान दोनों पहलवान के घमासान होते समय को देखते हुए चलिए दोनों पहलवान कुश्ती करिए। सिर्फ एक मिनट दो, एक मिनट कुश्ती का समय बचा हुआ दोनों पहलवान के लिए, सिर्फ एक मिनट समय बचा हुआ समाप्त कुश्ती बराबर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जावेद पहलवान किस तरह हरिहर पहलवान की कुश्ती से प्रभावित होकर उन्हें विजेता घोषित किया। तो हरिहर पहलवान के लिए इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कुश्ती कैसी लगी।